जय गंगा भैया, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस ब्लॉग में। अभी मैं हूँ सिमरिया धाम में और यहाँ पे गंगा जी हैं और कहते हैं कि अमृत जब निकला था समुद्र मंथन के बाद तो अमृतपान देवता और असुर जो थे यहीं पे लाइन लगा के किए थे। तो मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ और अमृतपान का कुछ यहाँ पे चित्र भी बनाया गया है, जैसे कि मूर्ति भी है उसका। मैं सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं राजेंद्र पुल है, इस पे काम भी चल रहा है। ये पीछे जो है गंगा जी है और ये गंगा जी पूरा सूख चुके हैं, अभी बीच में पानी है। तो मैं आप लोगों को सारा व्यू दिखाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने की। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं और आपके ट्रेन की स्टॉपेज राजेंद्र पुल है तो आप यहाँ पर उतर सकते हैं। यहाँ से घाट की दूरी लगभग 900 मीटर है। अगर स्टॉपेज राजेंद्र पुल ना होकर के हाथीदह जंक्शन है तो आप हाथीदह जंक्शन उतर सकते हैं। यहाँ से घाट की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर की है। और अगर दोनों जगह में से कहीं भी स्टॉपेज नहीं है तो आप बरौनी जंक्शन उतर के सिमरिया घाट तक जा सकते हैं। यहाँ से घाट की दूरी लगभग 13 किलोमीटर की है। अगर आप कार से आते हैं तो आपको 200 रुपये का गेट पास लेना होगा घाट पर जाने के लिए। मैं कार से हूँ और अभी राजेंद्र पुल स्टेशन के पास हूँ। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं यह है स्टेशन। यहाँ से घाट की तरफ चलते हैं, सीधे रोड बेगूसराय की तरफ चला जाता है पुल के ऊपर से, और हमें लेफ्ट की तरफ जाना है सिमरिया धाम घाट के लिए। सामने जो आप गेट देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है कुंभ द्वार, ये सिमरिया धाम का मेन गेट है। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सामने आपको घाट पे गाड़ी ले जाने के लिए पास लेना होता है। हमने 200 रुपये का पास ले लिया है। अब चलते हैं घाट की ओर। वैसे तो सिमरिया धाम में अभी घाट पे कोई होटल नहीं है रहने के लिए, लेकिन ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको आश्रम वगैरह मिल जाएगा स्टे करने के लिए। उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना होगा। एक दो जगह मैंने पता किया, वहाँ का मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला है श्री राम जानकी आश्रम पंगुल बाबा, इसका लोकेशन आपको नेट पे भी मिल जाएगा। और दूसरा है निर्मोही बाबा आश्रम, इसका भी लोकेशन आपको नेट पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अभी जो सिमरिया में घाट बन रहा है, घाट के साथ साथ धर्मशाला भी बन रहा है, तो अभी तैयार नहीं हुआ है। जहाँ पे बन रहा है मैं वो लोकेशन आपको आगे दिखाता हूँ इस वीडियो में। अब थोड़ा सा इस दिव्य स्थान के बारे में जान लेते हैं। सिमरिया को ऋषि मुनियों के समय में साल्मलीवन कहा जाता था। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने कार्तिक महीने में यहीं अमृतपान किया था और हर 6 साल बाद कार्तिक महीने में ही यहाँ अर्धकुंभ लगता है। और यहाँ आदिकाल से ही कल्पवास मेले का आयोजन होते आया है, जहाँ पूरे कार्तिक मास में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। अभी हम लोग उस घाट की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे माँ गंगा का जल है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पुल बनने का काम चल रहा है। गंगा जी जो है उतना ही है यहाँ पे और पूरा सूख चुकी है। पहले जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जगह पहले जो है ना पूरा पानी से भरा होता था, और अभी जो है गाड़ी यहाँ तक आ जाती है। और यहाँ पे दुकान वगैरह लगा हुआ है और लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये पुल जो है ऊपर जो है इस पे कार वगैरह चलती है और नीचे वाले पे ट्रेन वगैरह चलती है। ये पुल गड़बड़ हो गया है तो ऊपर वाले पे काम चल रहा है। और एक पुल जो है आप देख रहे हैं वहाँ पे, एक पुल वहाँ भी बन रहा है और एक पुल जो है यहाँ भी बन रहा है। तो पुल बनाने का काम यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। ये दुकान वगैरह है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं इसको गंगौट बोलते हैं। गंगा जी से बालू निकाल करके इसको बनाया जाता है। ये गंगौट 10 का 1 है। मिथिलांचल में क्या होता है, जो जिनके यहाँ भगवती होती हैं घर में, कुल देवी होती हैं, वो गंगोट से ही बनती है।
तो लोग यहाँ से खरीद के गंगोट ले जाते हैं अपने कुल देवी को बनाने के लिए, या फिर अगर उनपे जो मिट्टी चढ़ता है ना वो यही गंगोट का ही चढ़ता है। अभी गंगा घाट पे पहुंच चुके हैं और सामने पूरा गंगा जी है। आप लोगों को मैं यहाँ से पूरा व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो लोग नहाते हैं वो यहाँ पे गंगा घाट पे पूजा भी करते हैं, शिवलिंग वगैरह सब रखा हुआ है। और यहाँ से लोग पूजा करने के बाद गंगा जल भर के अपने घर को ले जाते हैं। ये घाट है पूरा, लोग स्नान कर रहे हैं। अभी जो है मई एंड है और जून आने वाला है कल से, और अभी 10 बजा है और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है 10 बजे के टाइम में ही। सुबह को लगता है मतलब ठीक रहेगा यहाँ आकर के स्नान करना। अब हम चलते हैं एक डब्बा परचेज करने के लिए जिसमें गंगाजल भर के घर को ले जा सकें। डिब्बा कैसे, डिब्बा कहाँ है दुकान? डिब्बा कै टके, हरा वाला उजला वाला? क्या लीटर का है उजला वाला? ये 5 लीटर का डब्बा हम लिए हैं जिसका 80 रुपया लगा है, 100 रुपया बोल रहा था तो लास्ट में 80 में दिया है। जो यहाँ पे नया घाट बन रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ऊपर में थोड़ा करके पूरा मार्केट लगा हुआ है, आपको घर के लिए फूल माला या फिर प्रसाद वगैरह जो भी लेना होगा वो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं यही घाट बन रहा है पूरा, और ये पूरा गंगा जी हुआ करती थी, पूरा अभी सूखा हुआ है पानी। ये सामने पूरा घाट बन रहा है, बहुत ही अच्छे से बनाया जा रहा है, पूरा काम चल रहा है यहाँ पे। और घाट जो है उधर जो है पुल के उस पार से यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है मुझे अभी बनते हुए। ये पूरा एरिया है घाट बनने का। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे स्नान किया था इस लोकेशन पे, लेकिन अब यहाँ पे पानी भी नहीं है और घाट बन रहा है तो यहाँ पे आदमी नहा नहीं पाता है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये धर्मशाला बन रहा है यात्रियों के लिए। और यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है, तो जब आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ खाना होगा तो खा सकते हैं। खाने के लिए तो ऊपर में भी खाना आप लोगों को मिल जाएगा जब आप घाट से ऊपर जाएंगे। अभी मैं गंगा स्नान के बाद उस जगह पे आया हूँ जहाँ पे ये दिखाया गया है जो अमृत पान कैसे हुआ था, अमृत कैसे निकला था, और भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत कैसे बांटा था सबके बीच, और भोलेनाथ जी ने विष को कैसे पिया था, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो ये सीन जो है, ये समुद्र मंथन वाला ये सीन है। और यहाँ पे जो है सो अमृत जब निकला था तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धर करके अमृत पिला रही हैं सबको, देवता दानव सब बैठे हुए हैं। जब विष निकला था तो भगवान भोलेनाथ जी विषपान किए थे, वो सिमरिया में ही हुआ था सारा कुछ। इस साइड दानव बैठे हैं और इस साइड देवता बैठे हैं अमृत पीने के लिए, और बीच में भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके सबको अमृत दे रही हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है समुद्र मंथन का। राइट साइड में देवतागण पकड़े हुए हैं वासुकी को, और लेफ्ट साइड में राक्षस लोग पकड़े हुए हैं वासुकी को, और बीच में मंदार पर्वत है, नीचे भगवान विष्णु कछुआ के रूप में है, और ऊपर भगवान ब्रह्मा है, और बीच में धन्वंतरी है अमृत लेकर के। और यहाँ पे दिखाया गया जो भोलेनाथ जी विषपान कर रहे हैं, क्योंकि विष को पीने वाला और कोई नहीं था शिव जी के अलावा, तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है।
भगवान शिव को माँ काली की गोद में लेटा हुआ दिखाया गया है, क्योंकि जब भगवान शिव ने विष पिया था तो माँ काली ने उनके गले पे हाथ रख के उसके प्रभाव को रोका था। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला था तो राक्षस लोग अमृत लेकर यहीं भाग के आ गए थे। फिर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर यहीं सिमरिया धाम में ही देवताओं के बीच अमृत बांटे थे। प्रथम अमृत कलश यहीं रखा गया था, जिसमें से कुछ बूंदे यहाँ भी गिरी थी। फिर जब राहु अमृत पीने लगे थे तो सूर्य और चंद्रमा उन्हें देख लिए थे। उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ था। फिर देवराज इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश लेकर यहाँ से भागे तो उसकी बूंदे प्रयाग, उज्जैन, नासिक और भी जगहों पे जाके गिरी थी, जहाँ जहाँ महाकुंभ लगता है। इस वीडियो में सिमरिया से रिलेटेड मैंने आप लोगों को हर जानकारियाँ दे दी है। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय माँ गंगा।